Shastrikal. Thank you so much. I am Swati Sharma, your host for this beautiful afternoon. My name is Swati and I am today's very beautiful and beautiful day for you all. Host. And with this, I would like to take the opportunity of welcoming all our distinguished guests. You are all Abhinandan. Welcome to your own family, Nikon ki or se. Well, aage badhe usse pehle aap sab kaise hain? How are you all? Good, fine. तो एक बार फाइन गुड और बढ़िया वाली तालियां हो जाए आप सभी के लिए. लेट्स जॉइन एंड वेलकम आवर गाइस. थैंक यू सो मच. विद दिस आई टेक द अपॉर्चुनिटी ऑफ वेलकमिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन, ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट वंस अगेन फॉर निकॉन्स न्यूएस्ट जी सीरीज लॉन्च. वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, बिफोर हेडिंग अहेड, लेट्स टेक अ लुक एट निकॉन्स लीगेसी इन इंडिया. Nikon India was established in May 2007, and since then the company is strengthening and fortifying sales of imaging products, beginning with digital cameras to enhance after-sales service for digital cameras and enhanced industrial instruments, as well as the technical support. With 10 years passing for Nikon India and globally over 100 years for Nikon Corporation, the company has achieved a significant position in imaging industry and has witnessed a sharp penetration and expansion in the market. Well, ladies and gentlemen, 10 saal kamyabi ke saath Nikon Hindustan mein pura kar chuki hai and globally 100 years. Ek baar zor se taaliyan ke liye, come on. Thank you, everybody. Thank you. Nikon Group is continuously working towards betterment of customer experience and aims to further provide new dimensions to optical performance by using Nikon's own technology to maximize the effectiveness of open innovation. And as we come closer to witness the most advanced imaging system, that is Nikon's newest Z series, before that, I would just like to ask all of you, aap sabhi se main janna chahungi. यहाँ पे कौन से निकॉन यूजर्स हैं जो ऑलरेडी निकॉन यूज कर रहे हैं? जो जो कर रहे हैं प्लीज हाथ उठाइए. ओ वंडरफुल, क्या बात है, काफी निकॉन यूजर्स हैं. तो आई विल आस्क यू, कैसे लगते हैं आपको निकॉन के प्रोडक्ट्स? हाउ आर द प्रोडक्ट्स? हाउ डू यू फील इन निकॉन के प्रोडक्ट्स? ऑसम. कुछ और वर्ड्स? माइंड ब्लोइंग. वंडरफुल. कैसे हैं? इधर से पूछना चाहूंगी मैं, निकॉन प्रोडक्ट्स, हाउ निकॉन प्रोडक्ट्स? इंटरप्रेट बहुत अच्छे. वाओ, ओके. Anyway, fantastic classifier, right? Wonderful, thank you so much. So, are you all excited to see and experience the newest Z-Series? Are you all excited? Yeah, very much. ये कैसी excitement है? Come on, tell me that. Are you all excited? Yeah, very much. I'll talk about the Z series जो हमारे new mirrorless cameras हैं उसके पीछे की philosophy के बारे में. हाँ, हम लोग अभी तक जैसे DSLR में थे, तो जब मैं DSLR की बात करूँ उसमें mirror होता है, तो एक philosophy ये है कि mirrorless camera आया तो क्या सिर्फ mirror को उठा के निकाल दिया गया and it is made as a mirrorless camera? नहीं. तो इसके पीछे की जो philosophy है, इसमें जैसे आप लोगों को पता है जो हमारे DSLR कैमरा थे उसका जो माउंट है 1959 से लेके आज तक वो माउंट चेंज नहीं हुआ. इट हैज बीन कंसिस्टेंटली बीन विद यू विदाउट एनी चेंज, नो मैटर किसी भी लेंस, किसी भी कैमरा बॉडी के बारे में बात करें. तो उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए फॉर मेकिंग इट फ्यूचर प्रूफ वी हैव कम विद दिस जी सीरीज ऑफ कैमरास. इसमें मुख्यतः दो चीज़ों पर मैं आप लोगों का को हाईलाइट करना चाहूँगा. एक तो जो इसका माउंट है, जैसे ही जब बाद में आप डेमो एरियाज में जाएंगे, जब आप मिररलेस कैमरास को देखेंगे, सबसे पहली जो आपको चीज नजर आएगी वो इसका माउंट 12 FPS की परफॉर्मेंस देता है. इसके अलावा अगर आप वीडियो के बारे में जाएं, वीडियो एस्पेक्ट्स में दोनों ही बिल्कुल सिमिलर परफॉर्मेंस देते हैं. अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर EVF. आमतौर पर जब भी हम मिरर की तरफ ध्यान जाता है तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं करंट सिस्टम से, जो कि ऑप्टिकल व्यू फाइंडर है. ऑप्टिकल है,
कहा जाता है कि भाई ऑप्टिकल व्यू फाइंडर इज डेफिनेटली, वी ऑल नो दैट ऑप्टिकल की जो परफॉर्मेंस है मच बेटर है, नेचुरल व्यू मिलता है, मगर ईवीएफ में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक व्यू है वो मिरर एब्सेंट है, पूरा मिरर का अरेंजमेंट एब्सेंट है, तो इमेज आपके व्यू फाइंडर पे पहुंचती है वो इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचती है और उसमें कहीं ना कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज होता है। मगर अगर जी सिस्टम्स की तरफ ध्यान दें, बोथ जी सेवन एंड जी सिक्स, और मैं चाहूँगा कि जब आप डेमो एरिया पे खासतौर पे ईवीएफ पे आप ध्यान दीजिए, उसमें जो व्यू है हमने बिल्कुल नेचुरल व्यू बनाया है और ना केवल उसको एनहेंस किया है, और आप देखेंगे जैसे इसमें दिखाया जा रहा है इसमें वेरियस एलिमेंट्स भी लगाए गए हैं टू गिव यू दैट सेम फील ऑफ नेचुरल व्यू। इससे एक और अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली कोई चीज़ देखते हैं उससे आपकी आंखों में भी टायर्डनेस जल्दी फील होती है, वो एलिमेंट भी रिमूव किया गया है उसमें, उसको फर्दर एक नेचुरल इमेज स्टेबलाइजेशन की तरफ। आप लोग फेमिलियर होंगे जो हमारी वीआर टेक्नोलॉजी है, वाइब्रेशन रिडक्शन, वो अभी तक हमारे लेंसेज में थी, हमने वो टेक्नोलॉजी जो इमेज स्टेबलाइजेशन की लेंसेज से उठा के अब कैमरा बॉडी में, जो कि मिररलेस में पॉसिबल है, कैमरा बॉडी में डाल दी है। अब चाहे आपके लेंस में वीआर हो या ना हो, आपके कैमरा बॉडी में आप जब चाहें वो वीआर या इन बॉडी स्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और ये अप टू 5 stops आपको सपोर्ट करता है। करते हैं वीडियो की, अगर आप वीडियो की परफॉर्मेंस की बात करें, सबसे बड़ी बात जो है कि DSLR भी एक अच्छे वीडियो कैमरास भी हैं, उनको भी काफ़ी हद तक यूज़ किया गया है, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ने भी और अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ में इसको यूज़ किया है। मिररलेस उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। आप वीडियो की परफॉर्मेंस देखें, खासतौर पे मैं एम्फेसिस देना चाहूँगा जो 4K वीडियो है, इसका जो 4K का आउटपुट है वो फुल फ्रेम है, देयर इज नो क्रॉपिंग। आप अगर 4K पे शूट करते हैं किसी भी प्रकार का क्रॉप नहीं है, 30p तक आपको ये परफॉर्मेंस देगा। टाइम शूट्स की तो वहाँ पे बाद में फुटेज को, क्लिप्स को एडिट करने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट की बड़ी ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे आपको जो टाइम कोड, एक एडिटर के लिए टाइम कोड की बहुत इम्पोर्टेंस है, तो अब हमने वीडियो में टाइम कोड भी इंकॉर्पोरेट किया है। और यही नहीं, वीडियो में अब आप एन लॉग भी हमारा ऑप्शन है, जिसमें आप जो प्रोफेशनल लेवल की कलर ग्रेडिंग हासिल कर सकते हैं। पहले हमने ये फीचर विद पिक्चर कंट्रोल इनकॉर्पोरेट किया था, जिसमें आपको कुछ हद तक आप उसको पोस्ट में कलर को ग्रेड कर सकते थे प्रोफेशनली। अब उसको एक नेक्स्ट लेवल पे हम लेके गए हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग एन लॉग। आप ये जो एन लॉग है, जब आप एन लॉग इनकॉर्पोरेट करें, इसको आप एक्सटर्नल रिकॉर्डर के थ्रू कर सकते हैं, और यहाँ पे ना सिर्फ 8-bit या आपको 10-bit आउटपुट देता है 4K HDMI आउटपुट। मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले देखिए जब निकॉन की बात आती है तो एर्गोनॉमिक्स को अगर मैं अपनी भाषा में समझाऊं तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इजीनेस, कैमरा आपका बेसिकली बॉडी का हिस्सा बने तो ऐसा महसूस ही नहीं होना चाहिए कि आप कोई एक्सटर्नल कोई चीज पकड़ रहे हैं, अगर वो आपका बॉडी का हिस्सा, वो एक्सपीरियंस आपको निकॉन के मिररलेस भी देते हैं, जैसे आपको आज तक निकॉन के बाकी DSLR कैमरास देते हैं। तो वो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आप जब भी, जिन लोगों ने ऑलरेडी यूज़ किया है वो भी मेरे ख्याल से ये बिल्कुल मानेंगे मेरी बात, और दूसरा जो आप लोग अगर अभी एक्सपीरियंस लेंगे जब डेमो एरियाज में जाके, जैसे ही आप होल्ड करेंगे, अगर आपने पहले कभी निकॉन कैमरा यूज़ किया है तो आपको वही सिमिलैरिटी मिलेगी, वही ईज ऑफ यूज़, इंट्यूटिवनेस, आपको जो मेन्यू की फेमिलैरिटी है वो भी आपको बड़ी सिमिलरली देखने को मिलेगी, और उसी टाइप का हाई प्रिसीजन एंड डेवलपमेंट वर्क इस प्रोडक्ट को डेवलप करने में इंकॉर्पोरेट किया गया है। अगर मैं बात करूं इसकी रगेडनेस की, ये उतना ही रगेड है, जैसे ही हम मिररलेस की बात करें हमारे को ध्यान आता है कॉम्पैक्ट कैमरा, लाइटवेट कैमरा, बट कॉम्पैक्ट और लाइटवेट किस्म की चिंता होती है कि भाई जो मेरी इतनी सारी एसेसरीज हैं क्या मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा, क्या वो बैकवर्ड या फॉरवर्ड कंपैटिबल है या नहीं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो इट कॉल्स फॉर अ न्यू सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। वेयर एज जो भी एसेसरीज की बात करें, चाहे वो स्पीड लाइट हो, चाहे वो रिमोट कंट्रोल्स हो, चाहे वो
किसी भी प्रकार का एक्सेसरी है जो आप कॉमनली यूज करते हैं, उन सब से ये जो नए जी कैमरास हैं Z7 या Z6 वो कंपैटिबल हैं और आप उसी तरह उनके साथ काम ले सकते हैं।